राजस्थान का कण कण अपने शौर्य, बलिदान, भक्ति के साथ ही आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण देश विदेश के लोगों को बरबस ही आकर्षित करता है। कुछ ऐसा ही एक और नया अध्याय विश्व पटल पर अपना इतिहास लिखने जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची विश्व प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। महादेव के इस महामहोत्सव में 9 दिन तक आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रहेगी। साथ में मुरारी बापू की 9 दिवसीय रामकथा इस महोत्सव को 4 चांद लगाएगी और इसके साक्षी बनेंगे देश दुनिया से आए लाखों श्रोता। मुरारी बापू की रामकथा इस लोकार्पण महोत्सव में सोने पर सुहागा की तरह होगी। श्री जी की नगरी में स्थापित भगवान शिव की यह अद्भुत प्रतिमा लोगों के आकर्षण के साथ ही देश और राजस्थान के पर्यटन में एक नया आयाम स्थापित करेगी। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट की ऊंचाई पर ये प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान एवं अल्लड़ की मुद्रा में विराजित हैं, जो 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाते हैं। रात्रि में भी ये प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके लिए विशेष लाइट से इसको विद्युत सज्जा की गई है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नाथद्वारा में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मुरारी बापू के प्रवचनों के साथ ही आस्था, संस्कृति, संगीत और कला का महासंगम होगा। श्रीनाथ जी की पावन धरा पर श्रद्धालुओं का एक जन ज्वार सा आएगा। ऐसे में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आयोजन के लिए करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल लगा हुआ है और करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में भोजनशाला का पंडाल लगाया गया है। जर्मन तकनीक से ये पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें श्रोता कथा श्रवण और भोजन प्रसाद का आनंद उठाएंगे। पूरा नगर रोशनी से नहाने के लिए तैयार हो रहा है। दीपावली महोत्सव से ही विद्युत सज्जा और नगर का निखरा हुआ नजारा दिखने लगेगा। इस भव्य आयोजन को लेकर आम नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रतिदिन करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु मुरारी बापू को सुनने के लिए एकत्रित होंगे। भोजनशाला की तैयारियों को देखते हुए समझा जा सकता है कि प्रतिदिन यहां लाखों लोग भोजन प्रसाद लेंगे। सर्विस काउंटर तक सामग्री पहुंचाने के लिए यहां ओवरहेड कन्वेयर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आयोजन का हिस्सा बनने वाले लोगों द्वारा होटल आदि की एडवांस बुकिंग करवाई जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति की अपनी एक अलग ही विशेषता है। 369 फीट ऊंची ये प्रतिमा विश्व की अकेली प्रतिमा होगी, जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियां, श्रद्धालुओं के लिए हॉल बनाया गया है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनी है। प्रतिमा के निर्माण में 10 वर्षों का समय और 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है। प्रतिमा का निर्माण 250 वर्षों की स्थिरता को ध्यानगत करते हुए किया गया है। 250 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी मूर्ति को प्रभावित नहीं करेंगी। इस प्रतिमा की डिजाइन का विंड टनल टेस्ट यानी ऊंचाई पर हवा का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बरसात और धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग कर कॉपर कलर किया गया है। प्रतिमा को तत्पदम संस्थान ने बनवाया है। प्रतिमा स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं और मनोरंजन के लिए बंजी जंपिंग का निर्माण किया गया है। ये ऋषिकेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी बंजी जंपिंग होगी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। साथ ही फूड कोर्ट, गेम जोन, जिप लाइन, गो कार्टिंग, एडवेंचर पार्क, जंगल कैफे का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर्यटक दिन भर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। शिव प्रतिमा पर विशेष रूप से लाइट एंड साउंड के 3D प्रयोग के द्वारा शिव स्तुति का प्रसारण होगा। पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें बर्को कंपनी के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। फायर सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था की गई है। प्रतिमा के अंदर पानी के टैंक बनाए गए हैं, साथ ही अग्निशमन के साधनों की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पर्यटकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों से परिसर सुरक्षित रहेगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए उदयपुर से महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर और उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से प्रतिमा स्थापित है। राजसमंद जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर ये प्रतिमा स्थापित की गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।